सर जी, ये जो लोग कुछ टाइम पहले महंगाई महंगाई का इतना शोर शराबा करते थे, और अब तो बल्कि पिछले एक दो महीने में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आपको पता कि मैं हमेशा इसमें एक राय रखता हूँ कि ये पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम चलता रहेगा और कभी महंगाई कम नहीं होगी। मैंने कई ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20 साल पहले कुछ चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जूते अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज कह सकते हो कि उनकी जूतों की फैक्ट्री है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने महंगाई का रोना नहीं रोया, उन्होंने मेहनत की अपने ख्वाबों को तबीर करने के लिए, और आज दुनिया के कामयाब तरीन इंसान है। तो जो इंसान परेशान होता है ना या महंगाई का रोना रोता है, वो हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो भी है, वो असल में अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, अपने आप को डेवलप नहीं करता, महंगाई के साथ मुकाबला नहीं करता। वरना मुझे बताओ कि 10 साल पहले मेरी जो तनख्वाह थी, 20 साल पहले मेरी जो तनख्वाह थी, आज के मुकाबले में 100 गुना कम हो गई। अगर मैं उतना ही काम करता होता तो आज भी उतनी होती शायद। ने अपने आप को डेवलप किया, नए नए जिम्मेदारियाँ ली, नए नए कहते हैं ना वो चैलेंजेस लिए, तो आज अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और हमसे बेहतर लोग भी हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, उनकी स्टोरीज है मेरे पास, जो हमारे बाद में आए और हमसे आगे निकल गए, उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हम समझते हैं कि हमने लोगों से ज़्यादा मेहनत की, हमने महंगाई को बीट किया, उसको हराया, लेकिन हमको भी हराने वाले लोग थे। मुझे खुशी होती है ऐसी चीज़ों की, वो मतलब दुनिया में आपको सारी स्टोरीज मिलेंगी जो लोग परेशान हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ पे ज़्यादातर लोग सड़कों पे, बड़े शहरों के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर सड़कों पे सोते हुए देखे, वहाँ पे गुर्बत देखी, आपकी सोच होगी, मतलब लोग वहाँ पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसे हालात मिलेंगे। पीछे वही बंदा है जो अपने आप को आगे नहीं लेके जाना चाहता, वो कहता है जी मैं काम उतना ही करूँ लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी तनख्वाह बढ़ती जाए, या मेरे इनकम बढ़ती जाए। अब 10 साल पहले मैं, 15 साल पहले मैं अकेला था, मेरे खर्चे कम थे, अब मेरी फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, तो मुझे 10 के मुताबिक काम करना है ना, ये नहीं हम सोचते। और हम उसका ब्लेम किसको देते हैं? दूसरे लोगों को, अपने कंपनी के मालिक को, दुकान के मालिक को, या जहाँ भी हम काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमने कुछ भी नहीं किया। हर बंदा चाहता है कि मेरी इनकम तो बढ़े लेकिन मेरे खर्चे ना बढ़े। तो दुनिया की साइकिल तो ऐसे चलती रहनी है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट ही है, यही कर सकता हूँ कि अगर हमें सुनते हो तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओगे, कम कहते ना तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाओगे, तो वहाँ महंगाई आपकी सोच से भी ज़्यादा है, 4-5 गुना है, तरक्की पजीर मुल्कों के मुकाबले में 4-5 गुना ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल है। आप अपने मुल्क में रुपीज़ में खर्च करते हैं, वहाँ पे आप डॉलर्स या यूरोज़ या पाउंड्स में अपना उसके खर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी लोग गुजारा कर लेते हैं, वहाँ पे भी लोग हैं जो गुजारा नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट ये है कि महंगाई का रोना छोड़ो, हुकूमतों को ब्लेम करना छोड़ो, मेहनत करो। कोई भी आएगा वो कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि वहाँ पे कुछ मुल्कों के कुछ मुल्क गुलाम बन चुके हैं, वहाँ पे निज़ाम उनकी मर्ज़ी से चलता है। तो आपको उस निज़ाम के अंदर रहते हुए अपना सर्वाइवल सर्च करना है, अपनी फैमिली का सर्वाइवल की तैयारी करनी है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आपने अपने आप को रोते धोते रखना है या मेहनत करनी है, और महंगाई का जो चैलेंज है उसको बहुत पीछे छोड़ देना है, चॉइस आपकी है। बुरा लगे तो बुरा कह दीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा कह दीजिएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में, मैं यही बोलूँगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। थैंक यू।